नहीं, हमको बोल रहा है ना कि तुमको कल मटन खाने का मन कर रहा है, तो हम बोले कि नहीं, इच्छा होगा तो बोलना, खाना वाना आजकल देख रहे नहीं खा रही हो, तो आधा किलो मीट ले आते हैं। तो फिर बेटा मना किया कि पापा छोड़ दीजिए, बहुत गर्मी है, लेकिन बनाइएगा। कौन वाला मटन बनाइएगा? कढ़ाई वाला। मेरे व्यूवर्स भी इंतजार में रहेंगे, मटन बनेगा तो मैं कढ़ाई स्टू बना के। कढ़ाई स्टू बनेगा तो आप लोग प्लीज़ मंडे को मेरे ब्लॉग में बने रहिएगा, और मैं कोशिश करूँगी कि सिर्फ मंडे का जो है ना इनका स्पेशल मटन का ही वीडियो डाल दूँ। तो आप लोग नीचे कमेंट्स करके बताइएगा, तो मटन स्टू बनाइएगा, उसके साथ चावल चावल और रोटी, सलाद रोटी। रोटी तो हम नहीं बनाएंगे ये गर्मी में, हम तो रोटी नहीं, और रोटी ना मीट बनेगा तो रोटी भी अच्छा क्वांटिटी में अपना खा लेते हैं। वो बात बोले कि आजकल जो है ना माँ बाप पैसा कौड़ी तो बाल बच्चे को दे देते हैं, किसी का बाल बच्चा अगर पैसा भी दे दिया ना तो माँ बाप को रखता नहीं है, पूछता नहीं है, लेकिन आपका बाल बच्चा इतना स्ट्रगल करने के बाद भी देखिए बहुत अच्छा कर रहा है, और आपको कोई चीज़ मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। जहाँ भी बच्चा रहता है तो ना उतना देखने की ज़रूरत है, एग्ज़ाम हो कुछ हो, अपना हैंडल खुद करता है, और अपना मेहनत से सब लोग आगे बढ़ रहा है। कोई पीठ पे ऐसा कोई सपोर्ट नहीं है कि चलो दादा दादी का संपत्ति हो तो उसमें उसका हिस्सा मिले, चाहे फादर का ही संपत्ति हो, जो रिटायर का, आज मैं सच बता देती हूँ, जो रिटायर का पैसा किए, लेकिन इसमें भी अभी कर्जा ही है घर में, लेकिन वो बच्चा कोशिश कर रहा है कि हम पूरा करें, और हम लोगों को भी कोई कष्ट नहीं देता है, तो इससे बड़ा और खुशी क्या होगा, बताइए, आप लोग भी जवाब दीजिएगा क्या। लेकिन चलिए, कई जीत बाकी है, कई हार बाकी है, अभी तो ज़िंदगी का सार बाकी है, यहाँ से चले हैं नई मंजिल के लिए, वो तो एक पन्ना था, अभी तो मुझे पूरी किताब लिखनी बाकी है। तो हमेशा की तरह ब्लॉग की शुरुआत कर रही हूँ मॉर्निंग से, और आ गई हूँ अपने टेरेस पर, और सबसे पहले अब पेड़ पौधों में पानी डालने के बाद मैं आ गई हूँ अपने बगीचे लोग को पानी देने के लिए। तो यहाँ पे जितने भी पक्षी हैं ना, तो आप बिल्कुल टेरेस पे पानी ज़रूर रखें, काफ़ी प्यासे होते हैं। मैं दिखाती हूँ, मैं जैसे आती हूँ ना तो सारे पक्षी बस मेरे आगे पीछे घूमने लगते हैं, और देखिए कितना जल्दी जल्दी से सब पानी पियेंगे। तो ये कौवा जो है ना, ये बहुत मतलब मुझे पहचानने लगा है, टेरेस पर जाऊँगी, नीचे जाऊँगी, जहाँ भी जाऊँगी बस मेरे सामने बैठ जाता है। अभी नीचे भी ले कर चलूँगी तो दिखाऊँगी कि कौवा किस तरह से मुझसे खाना मांगता है। बहुत सारे बगीस भी आएंगे तो मेरे साथ बिल्कुल ब्लॉग में बने रहेंगे। तो यहाँ देखिए ये पानी पी रहा है, बहुत सारे कौवे हैं ना, तो सब लोग पानी पियेंगे। तो मैं दिन में 3 से 4 बार ठंडे पानी मिला करके यहाँ पर रखती हूँ, लेकिन अभी तो मॉर्निंग का टाइम है, मॉर्निंग के बज गए हैं 7, तो मुझे बहुत सारा जो है ना, बहुत सारा नहीं मतलब सिंपल नाश्ता ही बनाना है, क्योंकि आज पंडित जी आने वाले हैं, तो पंडित जी को भी मुझे नाश्ता करवाना है, तो इसीलिए मैं जल्दी जल्दी काम कर रही हूँ। यहाँ पर लिया है मिस्टर वर्मा फल, तो सेब है और आम है और लीची है। लीची तो कोई वैसा खाता नहीं, मेरा छोटा बेटा को फल बहुत ज़्यादा पसंद है, बड़ा वाला नहीं उतना खाता है, और देखिए इतना सारा लीची लिया है। तो चलिए सबको धो लेते हैं, और धोने के बाद मैं बरी है ना तो वो काफ़ी अच्छा से सूख गए हैं, तो मैं दिखाती हूँ, और काफ़ी मतलब एकदम सॉफ्ट बने हैं, बहुत टेस्टी बने हैं बरी, उसकी सब्ज़ी मैं ज़रूर शेयर करूँगी। और यहाँ पर सब्ज़ी वगैरह धोने के बाद, मेरे झाड़ू पोछा लगाने के बाद मैं सीधे चली जाऊँगी नहाने के लिए, और पंडित जी को मैं स्पेशल भी बुलाई थी कि मैं अपनी ननद के यहाँ से रुद्राज लेकर के आई हूँ ना, तो पंडित जी मेरे यहाँ गृह प्रवेश में भी पूजा कराए थे, बहुत अच्छा साल माल कटा, तो मैं सबको प्रसाद के रूप में बांट रही हूँ। और मेरी ननद यही बात बोली थी कि लीना जो भी मांगेगा ना तो तुम सबको देना। और यहाँ पर देखिए मेरी चाय भी चढ़ गई है, और ये देखिए यहाँ पर जो है ना कौवा, देखिए अब खाना मांग रहा है। तो स्पेशल मैं कौवा के लिए लड्डू रखती हूँ, मैना के लिए किशमिश, चिड़िया लोग के लिए चावल, तो सभी पक्षियों के लिए अलग अलग मैं खाने की व्यवस्था करती हूँ। और देखिए अभी चिड़िया भी आएगा, और मैना का मैं नहीं ले पाती हूँ उतना शूटिंग, मतलब तुरंत आता है, तुरंत किशमिश लेकर के उड़ जाता है, लेकिन उसकी भी मैं दिखाऊंगी वीडियो ज़रूर, बहुत अच्छा। और छोटे छोटे पक्षी है ना, तो यहाँ पर छोटे से मटकी में मैं पानी रख दी हूँ, तो छोटे छोटे पक्षी इसमें नहा भी लेते हैं, मैं चिड़िया का भी दिखाऊँगी। तो चलिए इसको मैंने लड्डू दे दिया, ये खा के चला गया, तो अब आ गई है चिड़िया रानी। तो देखिए सबसे पहले आ करके ये लोग पानी पीते हैं, और ये मटकी में मैं 3 से 4 बार पानी बदल बदल के रखती हूँ। तो ये देखिए ये लोग खाना खाते हैं, पानी पीते हैं, चले जाते हैं। तो ये मॉर्निंग से 6 बजे से लेकर के ये शाम मतलब होने तक इन लोगों का बस आना जाना लगा रहता है। खाने के बाद केला पेड़ के नीचे यहाँ पे आराम भी कर लेते हैं, और यहाँ पे देखिए कबूतर और चिड़िया की बॉन्डिंग कितनी अच्छी है, और ये लोग इतना ज़्यादा मतलब फेमिलियर हो गए हैं ना कि अगर दूसरा पक्षी आता है ना तो इन लोग भगा देते हैं। तो इस तरह करके सारा दिन मुझे ये लोग को देखते
निकल जाता है। और यहाँ पर देखिए बरी है तो ये सूख गए हैं, एक दिन और धूप लगाऊंगी, काफ़ी गर्मी है एकदम, लेकिन इसको साल भर स्टोर करके रखना होता है, इसलिए मैं थोड़ा सा एक दिन और धूप लगा दूंगी। इसकी सब्जी की रेसिपी ज़रूर शेयर करूंगी। तो चलिए मैं नहा करके पूजा करके आ गई हूँ अपने किचन में, तो अब पंडित जी भी आ गए हैं और पंडित जी की बातें कल के ब्लॉग में शेयर करूंगी। बहुत अच्छी अच्छी ज्ञान की बातें पंडित जी बोलते हैं ना, तो बहुत सारा जो अगर मन अभी आपका दुखित रहता है ना, तो बहुत कुछ मतलब उससे लगता है ना कि जैसे कोई अच्छा अगर आपको ज्ञान देता है ना, तो वो काफ़ी हद तक वो टेंशन दूर होती है। तो यहाँ पर चलिए जल्दी जल्दी से भिंडी का भुजिया बना लेती हूँ, कचौड़ी बना लूँगी, रसगुल्ला है और आम काट करके दे दूँगी, क्योंकि पंडित जी भी मिथिला से है तो मिथिलांचल के लोगों को आम और दही बहुत पसंद है। और यहाँ पर भिंडी का भुजिया, और यहाँ पर काफ़ी अच्छी धूप आती है तो मैं बरी को रख दी हूँ। और यहाँ पर देखिए तब तक पंडित जी आ गए हैं तो मैं प्रणाम वगैरह कर करके, और यहाँ पर मिस्टर वर्मा भी बैठे हैं और पंडित जी बहुत ज्ञान की बातें बता रहे हैं, शिव जी के बारे ही बहुत सारे ज्ञान की बातें बता रहे हैं कि पार्वती जी मतलब शिव जी से झगड़ा करती थी कि आप मेरे लिए बिल्कुल सब लोग महल में रहते हैं और आप बिल्कुल कुटिया में हमको रखते हैं। और शिव जी है ना, वो रोज़ कुबेर जी के पास जाते थे भिक्षा मांगने के लिए, तो एक दिन पार्वती जी बोली कि आप क्यों भिक्षा मांग करके लाते हैं, तो शिव जी बोले कि क्योंकि देखो ये जो पूरा संसार है ना, तो सब लोग मेरे पास मतलब हाथ जोड़ करके आता है, और गणेश जी हैं तो वो हाथी के बराबर, उनका भोजन का व्यवस्था करना, तो ये सब मैं कहाँ से कर पाऊँगा, इसीलिए कुबेर जी के पास जाता हूँ रोज़ भिक्षा मांगने के लिए। बहुत सारी ज्ञान की बातें, बहुत अच्छा लगा आज। और यहाँ पर चलिए भिंडी भुजिया हो गया है और फटाफट से कचौड़ी बना लेती हूँ और पंडित जी का थाली लगा देती हूँ, और उसके बाद जो ना ब्लॉग का एंड मैं आज शाम को करूँगी, तो ये कंटिन्यू रहेगा, तो आप लोग बिल्कुल ब्लॉग के एंड तक बने रहें। तो यहाँ पर देखिए मैं निकाल दी हूँ भिंडी का भुजिया, रसगुल्ला, आम और कचौड़ी, और दही देना मैं भूल गई, देखिए दही जमाई थी और जब पंडित जी खा लिया ना तो मुझे याद आया और बातों बातों में बिल्कुल दही देना भूल गई, तो पंडित जी प्रेम से यहाँ पर खा लिए दक्षिणा वगैरह दे करके, उसके बाद फिर मैं अपने कामों में लग गई। और यहाँ पर पंडित जी अगर पटना से है ना, तो अगर आपको एक अच्छे पंडित जी की ज़रूरत है पूजा पाठ शादी ब्याह में, तो आप मुझे कमेंट्स कर सकते हैं, इनका कॉन्टैक्ट नंबर दे दूंगी। ऐसा नहीं कि मैं पंडित जी का प्रमोशन कर रही हूँ, बिल्कुल नहीं, अच्छे लोगों को मतलब अच्छा लगता है कि पूजा पाठ भी मतलब पंडित जी बहुत अच्छा करवाते हैं। उसके बाद देखिए पंडित जी यहाँ पर खा रहे हैं, ये यहाँ पर जो है पंडित जी चले गए हैं, तो यहाँ पर मिस्टर वर्मा को भी हम दे दिए हैं खाना। व्यूअर्स को हाय बोलिए। हाय। हाँ देखिए गर्मी है, बोल रहे हैं कि कुछ नहीं खाने का मन कर रहा है, कर्ड राइस खाइएगा, कुछ नहीं खाएंगे हैं, और खा रहे हैं बीपी का दवा। और देखिए यहाँ पे खिला दिए हैं, आम दे दिए हैं, आम भी खा लीजिए, और बेटा आएगा तो देखती हूँ कि वो क्या खाता है, कर्ड राइस तो उसको पसंद है। इतनी गर्मी है, इतनी गर्मी है कि मतलब एकदम हालत ख़राब है। तो चलिए थोड़ा सा पूड़ी और भिंडी का भुजिया हम बना लिए हैं, और छेना का रसगुल्ला है, तो देखती हूँ अगर खाएगा तो ठीक है। और मैं जा रही हूँ अभी चाय पीने, आज बहुत जल्दी हो गया क्योंकि पंडित जी को आना था, तो हम सुबह से सब काम फटाफट फटाफट किए हैं, और बरी भी सूख गया है, तो अगर मिस्टर वर्मा खाते तो आलू और बरी का सब्जी चावल बना देते, लेकिन बोल रहे हैं गर्मी है छोड़ दो, तो चलिए मेरे लिए भी अच्छा है, और हम भी दो पूड़ी खा के चाय पी लेंगे और उसके बाद जो है अपना बैठेंगे। तो आम खा लीजिए, तुरंत बीपी का दवा खाया, तुरंत खा रहे हैं कब सिरप, तुरंत तुरंत काहे खा रहे हैं, देखिए तुरंत बीपी का दवा खाया है, तुरंत कब सिरप खाने लगे, काहे खा रहे हैं तुरंत तुरंत, तुरंत फिर पानी खा रहे हैं। मिस्टर वर्मा आम, ये कौन आम है, बम्बैया, देखिए आम का शौकीन आदमी है, देखिए यहाँ पे आम खा रहे हैं, और चलिए फ्रेंड्स सांझ बत्ती दे करके आ गई हूँ, और अभी कितना टाइम हो गया है, पौने सात हो गया है, देखिए और टाइम का पता भी नहीं चलता है, टेरेस पे बहुत ज़्यादा सब पानी वानी डाल करके आए, और सब शाम को भी जितने भी पक्षी लोग हैं ना, तो सब पानी पीते हैं, और इतनी गर्मी में देखिए एक चीज़ पूछने के लिए आ रहे हैं, देखिए व्यूअर्स को हाय बोलिए सांझ को भी सुबह, तो बोल रहे हैं कि कल इतना गर्मी है, और बोल रहे हैं कि तुमको मीट खाने का मन करता है,
कल्ला तक नहीं, हमको बोल रहा है ना कि तुमको कल मटन खाने का मन कर रहा है, तो हम बोले कि नहीं नहीं इच्छा होगा तो बोलना, खाना वाना आजकल देख रहे नहीं खा रही हो, तो आधा किलो मीट ले आते हैं। तो फिर बेटा मना किया कि पापा छोड़ दीजिए, बहुत गर्मी है, लेकिन एकदम मटन के बिना सर्दी हो गया है, लेकिन इतना गर्मी है ना कि जो निकल रहा है ना तो बेहोश हो जाएगा। क्योंकि मेरा बेटा भी ऑफिस गया था तो ऑफिस में ही उसे चक्कर आ गया, बहुत गर्मी है। तो किस दिन मटन बनेगा, हमारे व्यूवर्स को भी बोलिए। सोमवार को तो निश्चित बनेगा, सोमवार को मटन बनाइएगा। कौन वाला मटन बनाइएगा, कड़ाही वाला? मेरे व्यूवर्स भी इंतजार में रहेंगे, मटन बनेगा तो कड़ाही स्टू बनाएगा, कड़ाही स्टू बनेगा। तो आप लोग प्लीज मंडे को मेरे ब्लॉग में बने रहिएगा, और मैं कोशिश करूंगी कि सिर्फ मंडे का जो है ना इनका स्पेशल मटन का ही वीडियो डाल दूँ। तो आप लोग नीचे कमेंट्स करके बताइएगा। तो मटन स्टू बनाइएगा, उसके साथ चावल, चावल और रोटी, सलाद रोटी। रोटी तो हम नहीं बनाएंगे ये गर्मी में, हम तो रोटी नहीं, और रोटी ना मीट बनेगा तो रोटी भी अच्छा क्वांटिटी में अपना खा लेते हैं, उतना तो रोटी हमने बनाएंगे। मेरा किचन में इतना गर्मी लगता है ना, अभी भी हमको रात में, अब जा रही हूँ खिचड़ी बनाने के लिए, खिचड़ी खाइएगा ना, अभी खाते तो नहीं है लेकिन हम आज खिचड़ी बनाएंगे। दिन में हम रोटी पूड़ी सब बनाए हैं। चलो ये समझ के खा लेंगे कि चलो भाई शनिवार को खिचड़ी खाने से ग्रह कटता है। आपको कौन चीज़ का ग्रह है, मतलब परिवार में हो तो शनिवार को खिचड़ी खाने से गड़न पड़ता है परिवार में क्या? एक चीज़ और बोलना चाहूँगी, जैसे तीन भाई पे हम तेतर लड़की हैं, तो बोलते हैं कि तेतर लड़की हो कुछ राज नहीं बैठाई हो। तो आज पंडित जी बहुत अच्छा बात बोले हैं कि अच्छा से आप खा रहे हैं, पी रहे हैं, और सबसे बड़ी बात कि बच्चा लोग अच्छा कर रहा है, और सबसे इसी पे जिंदगी कटता है। और कल जो है ना, कल तो नहीं बनेगा ना, नहीं परसों मटन का स्पेशल वीडियो मैं डालूंगी। मटन स्टू बहुत तरह से ये रेसिपी बनाते हैं, बहुत सारी रेसिपी की वीडियो डाल चुकी हूँ, तो आप लोग बिल्कुल ब्लॉग में बने रहेंगे। ठीक है, परसों ना बताइए। हाँ, मटन कितना तरह से बना सकते हैं? बहुत तरह से हम बनाना जानते हैं, नेपाली भी जानते हैं है? लेकिन हर स्वाद हर तरह से बना हुआ, हर आदमी का अलग अलग स्वाद होता है, इसीलिए सब तरह से। लेकिन बोलते हैं कि सब लोग बना ले, जो बिहारी थाली रहता है ना, ऐसी कड़ाही पीठ वाला सब्जी और मटन और चावल, उसका जो है कहीं स्वाद नहीं है। नहीं, नेपाली मीट भी, ये लोग नेपाल में रह चुके थे, नेपाली मीट भी बहुत बड़ा खाए हुए है ना। नेपाली मीट क्या होता है? शाही मीट होता है, बनाते अजमेर जाके वहाँ पर खसी काटता है, जैसे यहाँ करता है वहाँ भी करता है, लेकिन वहाँ पर ये खला वाला ज्यादा मिलता है। हाँ, ये खला उतार करके बहुत कम जगह मिलता है। हाँ, मेन बात है ट्रेडिशनल खाना ज़्यादा पसंद करते हैं। तो चलिए, काफ़ी गर्मी है, इससे ज़्यादा नहीं बोल सकूंगी, सुबह से काम था, उतना मैं नहीं दिखाई, डेली तो आप लोग मेरा वर्क जानते ही है, तो कभी कभी जो आपस की बातें हैं ना, तो वो भी शेयर करना ज़रूरी है। और बहुत ऐसा होता है कि आपस का क्या बॉन्डिंग है, तो परिवार है, चलिए लड़ाई झगड़े तो होते हैं, और लेकिन परिवार का भी एक जो होता है ना कि किस तरह से आपका रिलेशन है, किस तरह से आप उसको मैनेज कर रही हैं, तो ये भी ब्लॉग दिखाना बहुत जरूरी रहता है। तो आई होप कि आज का ब्लॉग भी आपको बहुत पसंद आया होगा। सांड बत्ती हो गया, जा रही हूँ सीधे किचन में, खिचड़ी तो बस सिंपल बनाऊंगी, तो उसको तो नहीं दिखाना है। तो चलिए, बाय बाय, टेक केयर, चलिए व्यूअर्स को बाय बोलिए, और मिलती हूँ कल एक बहुत अच्छे एनर्जी ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।